आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10। हरियाणा सरकार 10,000 मजदूरों को इसराइल भेजने की कर रही है तैयारी, विपक्षी दलों ने साधा निशाना। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञापन को लेकर राज्य में विवाद देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में बाढ़ के कारण फंसे सभी 809 रेल यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। श्री वेंकटम के एक स्कूल में ठहराए गए 300 अन्य रेल यात्रियों में से 270 यात्री स्वयं चले गए, क्योंकि उनमें से अधिकतर आसपास के स्थानों में रहते थे। इसराइल हमास के बीच जल्द शांति चाहता है भारत, पीएम मोदी ने बिन्यामिन नेतन्याहू से की बात। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इसराइली पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की। चीन में पिछले 9 वर्षों के सबसे भीषण भूकंप में 127 लोगों की मौत, 700 से अधिक लोग घायल। सरकारी समाचार एजेंसी शियानू ने बताया कि गांसू में 536 लोग घायल हो गए, जबकि किनगई में 182 लोग घायल हुए और 20 अन्य लापता है। यमन ने अमेरिका के नए गठबंधन को चेतावनी दे दी, लाल सागर को आपका कब्रिस्तान बना देंगे। भिवंडी में अतिक्रमण और ठेले वालों के खिलाफ मनपा प्रशासन की कार्रवाई। नजराना कंपाउंड और मीनाताई ठाकरे हॉल के पास अतिक्रमण के खिलाफ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई की है। आंगन में बैठे परिवार को कार ने कुचला, 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। घटना अमरावती के दरियापुर तालुका के नचोना गांव में मंगलवार रात को घटी है। भिवंडी में 121 ग्राम सेवकों की हड़ताल। भिवंडी तालुका ग्राम सेवक संघ की ओर से 18 से 20 दिसंबर तक 3 दिनों की हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसमें भिवंडी तालुका की 121 ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवकों ने सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी। पुणे में कोरियाई यूट्यूबर से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पिंपरी चिंचोड़ में कोरियाई लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर मामले की जानकारी दी थी। मुंबई में आग लगने की बढ़ती घटनाएं फायर ब्रिगेड के लिए सरदर्द बनी हुई है। पिछले 15 दिनों से मुंबई में आग लगने की घटनाएं हो रही है, हालांकि इस आग में कोई जान हानि तो नहीं हुई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।